हेलो एवरीवन, यहाँ पर स्टैटिक पेज बनाया जा रहा है एक वेबसाइट का कंप्लीट। इससे पहले मैंने होम मेनू को कवर कर लिया है, रजिस्ट्रेशन मेनू का कुछ पार्ट्स कवर किया है। अब कवर करने वाले हैं हम गैलरी पेज को बनाएंगे, ठीक है। तो गैलरी पेज भी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं कि इस कोड को इतना कॉपी कर लेते हैं मास्टर पेज के लिए। मास्टर पेज से मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हर एक पेज पर ये मेनू अवेलेबल रहे, हम कहीं भी हों कॉपी करके पेस्ट करके वापस जा सकें। हमने क्या किया, यहाँ पे बॉडी इस्तेमाल कर लिया, लॉक किया, और यहाँ यूज़ कर लेंगे हम HTML। इसको हमें सेव करना है किस नाम से, गैलरी के नाम से, .html। ओके, यहाँ से सेव कर दीजिए। अब आप उसको क्लिक करके देख लीजिए, ये HTML का क्लोजिंग यहाँ दिख रहा है, हेड का क्लोजिंग है, बॉडी का भी क्लोजिंग है। ओके, और अपने कंट्रोल करके एस करके सेव कर लिया। एक काम करिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला पेज है ना, क्योंकि हम कहीं भी हैं क्लिक करें तो हम पहुँच जाएँ, ठीक है ना। हमने लिखा रजिस्ट्रेशन, जो नाम रहता है ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो वो फाइल का नाम यहाँ दे दीजिए HTML, हर एक फाइल में, ठीक है। और गैलरी के अंतर्गत क्या करना है, यहाँ लिखिए गैलरी .html। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए इतना, यहाँ पर जहाँ जहाँ आपके पास पेज है उस पेज में जाकर के उसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, इस तरह से क्या फ़ायदा होगा कि आप किसी भी पेज पर हो, कहीं भी किसी मेनू पर क्लिक करके आप मूव कर सकते हो, ठीक है। अब ये बन चुका है, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिए और इसको क्या करिए, रिफ्रेश कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे होम में हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, ये गैलरी वाला पेज है। गैलरी का प्रॉम्प्ट आ गया। हम चाहते हैं यहाँ पर क्या कि एक टेबल ले लें, टेबल के अंतर्गत ये अलग अलग शेप दिखे में। कोई बंदा अगर होम मेनू पर है, कोई भी इमेज क्लिक करता है तो वो बड़ा व्यू में ओपन हो जाए, या आपके पास कोई भी फंक्शन वगैरह हुआ है या कोई कंपटीशन वगैरह हुआ है तो आप वहाँ पे गैलरी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर बनाने वाले हैं टेबल। टेबल को यहाँ पर हमने क्लोज किया और टेबल हम सेट कर लेंगे पहले बॉर्डर। बॉर्डर के अंतर्गत हमने सेट कर लिया, इसका हमने ठीक दे दिया, वो उतना सेट हो गया आएगा। इसके बाद हम यहाँ यूज़ करते हैं क्या TR, और इसको यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं TD, सॉरी पहले TR को हम क्लोज कर लेते हैं। इसको सेव किया हमने और क्या करते हैं, हम कंट्रोल R करते हैं, रिफ्रेश किया, अब गैलरी वापस जाते हैं, यहाँ पे आपको टेबल मिल गया। ओके, हमें क्या करना है, इनमें हमें पूरा पूरा इस्तेमाल करना है। हमने यूज़ करना है क्या TD पहले, और इस TD को हमने क्लोज करना है। हमें इमेज मंगाना है तो इमेज का टैग आपको पता ही है, SEIMZ SRC। अगर आप एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना चाहते हो ना, तो आपको फर्स्ट सेकेंड पार्ट जरूर देखना चाहिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, इमेज का नाम देंगे। देखो एक चीज़ ख्याल रखना, हमें इंडेक्स पे कुछ इमेज लगाया था, वो मैं दिखा देता हूँ। ये रहा हमारे पास इमेज, कुछ पड़े हुए हैं, हम क्या करते हैं इसी इमेज को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ पे हमने लगा दिया, पेस्ट किया, ये हमारे पास इमेज आ चुके। क्या करना है, इसको कंट्रोल एस करो, सेव कर लो। देखो हमें चाहिए एक पेज पर कम से कम 3 इमेज दिखाई दें एक लाइन में, मतलब ये है, ठीक है। तो एक लाइन के अंदर 3 इमेज चाहिए, हमें क्या करना होगा, इस TR को क्लोज कर लो यहाँ से। ओके, और ये जितने भी ऑप्शन है सब TD के अंतर्गत होना चाहिए। एक एक कॉलम के अंतर्गत TD, इस TD को क्लोज कर लीजिए, यहाँ भी इस्तेमाल करिए TD। इसको हमें सेव करना है। अब सेव करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर, कंट्रोल R किया, अब वो इमेज काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इमेज थोड़ा ढंग के हों अब, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखो, नीचे वाला इमेज सेट हो चुका है। तो एक काम करते हैं, हम जहाँ जहाँ भी इमेज है हम यूज़ करेंगे यहाँ पर TR, और ये TR क्लोज है, सो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं TD, और इसको हम क्लोज कर लेते हैं। TD से क्या होता है, कॉलम वाइज दिखाता है, ये फ़ायदा होता है हमारा,
हमने यहाँ पे किया क्लोज, सेव किया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी आपको इमेज दिख गया, समझ में आया। ये काफ़ी खूबसूरत रहता है यहाँ पर, आपको जितने भी इमेज लगाना आप इमेज लगा सकते हो। ओके, तो इस टाइप से गैलरी बन जाएगा। इसके साथ ही कुछ और काम कर लो, यहाँ पे आप चाहते हो बॉर्डर लगाना, एक येलो कलर का बीजी कलर लगा दो यहाँ पे। इसमें क्या करना होगा, मैं लिखना होगा बीजी कलर, यहाँ पे हम एक कलर लगाते हैं येलो, तो ये थोड़ा सा और भी खूबसूरत हो जाता है पेज हमारा। आप लोग इसको देख सकते हो बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं कि जितने भी हमारे पास पेज हैं यहाँ पे इमेज चल रहे हैं, हम इन पर क्लिक करें तो ये हमें गैलरी पर मूव कर दें। तो लिंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्टेबलाइज कर देंगे एंकर टैग। ओके, तो हमने यूज़ किया एंकर टैग, और इसमें हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेसेस इज इक्वल टू, हमें किस पेज पे जाना है, हमें जाना है गैलरी वाले पेज पे, गैलरी डॉट एस टी एम एल, समझ में आया, एस टी एम एल इसको लिखेंगे। और क्या करना है हमें, एंकर टैग को हम यहाँ पर क्लोज कर लेंगे, सब में कॉपी कर लीजिए, पेस्ट किया, पेस्ट पेस्ट, ओके, सब में आके यहां पे क्लोज करिए। सेव किया और उसको रिफ्रेश कर लेंगे। अब आप देखिए ये जो इमेज जा रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमें गैलरी में भेज देगा सीधा सा। अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई बड़ा इमेज दिखे, आप क्लिक करो तो बड़ा व्यू खुल जाए, तो इसका भी एक तरीका हमारे पास है कि नहीं। हमें क्या करना होगा, इस पेज का एक अलग पेज बनाना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं वही काम। ओके, मतलब ये है ना कि हमारे पास जितनी भी इमेज हैं, हम चाहते हैं उनके इमेज के डिटेल लगाने, तो हम लगा सकते हैं। कंट्रोल एन किया हमने और एक पेज मंगा लेते हैं एस टी एम एल के नाम, एस टी एम एल के साथ इसको सेव कर लिया। इमेज के नाम से सेव कर लोगे तो और भी अच्छा होगा, जिस इमेज के नाम से आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक इमेज है, हम इस इमेज के बारे में डिटेल देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, और A9 के नाम से ख्याल रखिएगा। तो ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं A9 के नाम से, A9 अबाउट A9, ठीक है, समझ में आया। जो इमेज का नाम रहेगा वही आप दे देना, अच्छा रहेगा समझने के लिए। HTML सेव कर लीजिए, ये सेव हो चुका। और यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए हेडिंग टैग, हेडिंग के बाद अपना बॉडी इस्तेमाल कर लीजिए, बॉडी टैग, और बॉडी के अंतर्गत हम यूज़ करेंगे क्या, हमें यूज़ करना है टेबल भी ले सकते हैं, टेबल में अच्छा और भी आएगा, और वहाँ पे हम पैराग्राफ वगैरह दे सकते हैं, ठीक है ना। हमने पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ में हम इसके बारे में डिटेल दे देंगे, इमेज के बारे में। इसके साथ ही हम यूज़ कर लेंगे IMG SRC इज इक्वल टू, इसको हम टाइप कर देंगे इमेज का नाम। ओके, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सेव कर लिया, और हमें क्या करना होगा, एक और काम, लिंक एक्टिवेट करना पड़ेगा। कौन सा इमेज है वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम गैलरी पे गए, हमने सबको सेव कर लिया था, हमने पेज को रन कराया, जो जैसे ये इमेज है, इस इमेज का आपको नाम पता होना चाहिए तभी आप कर पाइएगा काम, ठीक है। इसको इमेज का नाम देख लेते हैं, नाम क्या है, इसका नाम है A2। ओके, तो ये जो आपको A2 दिख रहा है, यहाँ पर हम एक लिंक एक्टिवेट करेंगे, और कैसा लिंक एक्टिवेट होगा वो देख लीजिए। एंकर टैग इस्तेमाल करेंगे, किसी के बारे में डिटेल देना, ठीक है, इज इक्वल टू, और कौन सा पेज हमारे पास है, किस पे जाना है वहाँ ये डिसाइड करते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे अबाउट A9 डॉट HTML, क्लियर। और यहाँ पे क्या करो, इसको क्लोज कर लो एंकर टैग को अपने, ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पैराग्राफ है,
हम यहाँ कुछ टाइप कर सकते हैं अबाउट ऑफ हार्ट शेप, यहाँ पे डिटेल आप दे सकते हो, जितनी लाइन चाहिए उतना आप दे सकते हो। अभी इसको क्या करो, सेव करके इसको रन करा लो एक बार, कंट्रोल आर किया, रिफ्रेश हो गया। इधर को होम पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, गैलरी, सो इस पर आप क्लिक करो। सॉरी यहाँ पे कोई और इमेज लग गया, ओके इसको मैं देख लेना होगा। यहाँ पे कौन सा इमेज था, एक मिनट देख लेते हैं, A9 था, सॉरी। तो हम यहाँ पे A9 लिखेंगे, कंट्रोल एस किया। अब इसको हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे तो हमें दिख जाएगा क्या प्रॉब्लम था। ओके सॉरी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो कोड था हमारे पास, कोड पर हम गए और यहाँ पे हमने यूज़ किया एंकर टैग, ठीक है। और एंकर टैग में हमने क्या कोड दे दिया, अबाउट A9.html, यानी जो पेज था पेज का नाम दे दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे एंकर टैग लगाएंगे, एंकर टैग क्लोज कर लेंगे और उस पर एक नया पेज लेकर के हम क्या करेंगे, उस इमेज को यहाँ पर दिखा देंगे, ओके एक बड़े साइज में। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो इसका हाइट और वीट वगैरह से, ओके अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव किया और इसका रिजल्ट आप देख लो एक बार, हमने इसको रिफ्रेश किया और जिस हर एक इमेज पे आप लगा सकते हो। इस पर हमने क्लिक किया तो एक बड़ा इमेज आ जाएगा, इसके बारे में यहाँ डिटेल होगा, जैसे फैशन मॉडल है या कोई नेचुरल इमेज है तो इनके बारे में यहाँ से ऑटोमेटिक आपको डिटेल मिल जाएगा। यदि आपको कुछ और जानना है तो नेचुरल वगैरह इमेज आप लगाना चाहते हो या कोई ब्यूटी है तो उसको आप सेट कर सकते हो यहाँ पे अलग अलग फैशन शो का, ठीक है। तो ये रहा इस सेशन का एंड, गैलरी का। इसके बाद मैं कवर करने वाला हूँ नेचुरल चीज़ों को, यानी नेचुरल पेज के बारे में पूरा कवर करने वाले हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।